हेलो स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, क्योंकि मैं पीएचडी से रिलेटेड अपडेट लेके आते रहता हूँ। जैसे मैंने फ़िलहाल में कई यूनिवर्सिटियों के पीएचडी के नोटिफिकेशन पर मैंने फुल टाइम वीडियो बनाया है। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की संस्थान है, मैं उस पर पीएचडी के से रिलेटेड अपडेट लेके आता रहता हूँ। तो अगर पीएचडी आपका अगर करना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी न्यूज को सब्सक्राइब कर ले जरूर और शेयर करें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिले। तो चलिए चलते हैं न्यू नोटिफिकेशन पर और दिखाते हैं आपको पूरा डिटेल्स। ये जो न्यूज है दैनिक जागरण का न्यूज है, हालांकि मैंने इस पर पहले ही वीडियो बना चुका हूँ जेएनयू पीएचडी एडमिशन 2024 के बारे में, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट का को कन्फ्यूज था तो उसी के बारे में पूरा डिटेल्स फिर लेके आए हैं। ये देखिए दैनिक जागरण का न्यूज है जिसमें लिखा हुआ है कि जेएनयू पीएचडी एडमिशन 2024 जवाहरलाल नेहरू पीएचडी दाखिला यूजीसी नेट की बजाय जेएनयू इंट्रेंस टेस्ट से होने की संभावना। ये नया अपडेट है और ये जो न्यूज है देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो न्यूज है कल ही पब्लिश हुआ है, कितने तारीख को, 12 जुलाई को पब्लिश हुआ है न्यूज। तो ये जागरण का न्यूज है एजुकेशन डेस्क का, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जेएनयू अभी खुद एग्जाम कराएगा। तो देख लीजिए इस न्यूज में क्या है, एजुकेशन डेस्क का है, नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ है कि जेएनयू पीएचडी दाखिले का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के शोध पाठ्यक्रमों में इस साल दाखिले के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट से किए जाने की बजाय पूर्व वर्षों की तरह ही इस बार भी प्रवेश परीक्षा जेएनयू के आधार पर लिया जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि देखिए कि समाचार एजेंसी पीटीआई ने के एक अपडेट के मुताबिक जेएनयू शिक्षा संघ जनूटा जिसे बोलते हैं की तरफ से जानकारी साझा की गई है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पुरानी प्रणाली को ही लागू करने का विचार किया जा रहा है। हालांकि जेएनयू वीसी शांति श्री डी पंडित ने कहा है कि संबंध में अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है और प्रशासन द्वारा स्टेक होल्डर से भी सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि इस पर सुझाव मांगा जा रहा है। वीसी भी इस बात से इनकार नहीं किया है, वीसी ने भी, कि आपका एग्जाम नहीं होगा, यूजीसी नेट के आधार पर होगा। तो ये बात क्लियर हो गया है कि सुझाव लिया जा रहा है, यानी कि प्रोसेस चल रहा है, फाइनल प्रोसेस अभी नहीं हुआ है। आगे क्या लिखा है वो भी देख लीजिए। आगे लिखा है कि अभी यह मानना जल्दीबाजी होगा कि जेएनयू पीएचडी दाखिले के लिए यूजीसी नेट स्कोर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अभी हमने स्टॉक होल्डर से सिर्फ सुझाव मांगे हैं, क्योंकि एनटीए द्वारा नेट के नतीजे आने में लगने वाले समय को देखते हुए हमारे पीएचडी प्रवेश में देरी हो रही है। इसी कारण से हमारे जेआरएफ स्टूडेंट भी फेलोशिप भी रुकी हुई है। वाइस चांसलर ने ऐसा कहा कि ऐसा नहीं है कि हो जाएगा, लेकिन स्टेक होल्डर से बात चल रही है। तो ये न्यूज है जेएनयू पीएचडी से और ये न्यूज पब्लिश हुआ है सब जगह। ये जो न्यूज है जनसत्ता का न्यूज है जिसमें इसके बारे में जेएनयू के बारे में प्रकाशित हुआ है कि जेएनयू पीएचडी एडमिशन एनटीए से जुदा हो सकती है जेएनयू की राह, पीएचडी में दाखिले के लिए अलग से होगा एंट्रेंस। देखिए तो जनसत्ता ने भी इस न्यूज को प्रकाशित किया है, पब्लिश किया है अपने, और जेएनयू शिक्षक संघ एनटीए की ओर से इस बात के संकेत दिए गए हैं कि जेएनयू प्रशासन इस बात पर विचार कर रहा है कि पीएचडी में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजित किया जाएगा। ये देखिए ये जेएनयू का है, देश की राजधानी दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दाखिले से रिलेटेड इसमें पूरा जो मैंने बताया वही सब इसमें भी है। एंट्रेंस की रिपोर्ट के मुताबिक, इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक ये खबरें दी गई है। तो यही है, और अलग से परीक्षा कराने के सपोर्ट में जेएनयू टीचर एसोसिएशन अलग से परीक्षा कराने के लिए सोच रहा है। जानकारी के मुताबिक देखिए वाइस चांसलर श्री पंडित जो आपने को मैंने इन्फॉर्मेशन दिया उसी में सब है। तो हो सकता है कि अभी फाइनल स्टेज में नहीं गया है लेकिन चल रहा है। तो ये आपको हिंदी न्यूज़ में भी प्रकाशित हो गया है। तो मैंने जैसा कि आपको अंग्रेजी न्यूज का वो दिया था अपडेट, ये हिंदी न्यूज़ का है। तो अगर कोई भी डाउट हो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ एग्ज़ाम एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा भी हो सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा भी मिल सकता है। तो एक उम्मीद की किरण जगी है जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए। तो इस तरह के अपडेट के लिए आप यूनिवर्सिटी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये इस तरह के न्यूज़ जेएनयू से रिलेटेड किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो मिलते हैं एक नए नोटिफिकेशन में, एक नए अपडेट में। आज बस इतना ही। थैंक यू वॉचिंग यूनिवर्सिटी न्यूज़।